आपको लोकल ऑफ इंडिया में आपको स्वागत करते हैं। आज जो इतना बड़ा स्ट्राइक चल रहा है, आप हम तो इसका जो भी मुद्दा है हम तो समझ रहे हैं, खाली इतना पूछा है लड़कियां सेफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। ये जो मुद्दा हुआ, अगर सेफ होते लड़कियां तो ये थोड़ी होती। तो एक ड्यूटी रूम में जब एक लड़की ड्यूटी कर रही है, मतलब सर्विस दे रही है पेशेंट को, और ये हाल होता है उसको, मतलब ब्रूटली उसको रेप एंड मर्डर किया जाता है, तो उसमें सेफ थोड़ी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। अभी 78 साल बीत गया हमारे पास में, अभी गया रिसेंट, तो आप स्वागत बोल रहे हैं अब फ्रीडम नहीं? फ्रीडम ब्रिटिशर से हुआ है, अदरवाइज तो फ्रीडम तो कहाँ है फ्रीडम? आप सीनियर के हिसाब से बोलेंगे हमको फ्रीडम भारत में है कि नहीं? मुझे तो लगता है आफ्टर वी वन टू दिस इंसिडेंट वी थिंक दैट यस वी आर नॉट सेफ, फ्रीडम इज समथिंग डिफरेंट बट वी आर नॉट सेफ। थैंक यू। आपको लग रहा है आप अकेले रात को 9 बजे से 12 कभी भी कुछ इम्पोर्टेंट काम आप बाहर निकल सकते हैं? तो ऐसे क्यों लग रहा है, मतलब क्यों नहीं हो सकता? हम तो इतना बड़ा फ्रीडम कंट्री में रह रहे, बाहर के कंट्री के लोग इधर आ रहे, क्यों नहीं लग रहा है? डर लगता है, मैंने वुमेन इन डेंजर, आपको डर लग रहा है? तो ये मैसेज सरकार तक जाना चाहिए, पूरे भारत नहीं एक्सेप्ट। आपको लग रहा है कि जो डर का माहौल है अभी ज़्यादा होगा या कम होगा आपके इस प्राइस से? आप जब बाहर निकलते हैं आपको लगता है मतलब कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, डर लगता है ट्रेन में, बस में, कहीं अकेले जा रही हो? अभी थोड़ा बढ़ गया है इंसिडेंट के बाद, और ये जो हमारा स्ट्राइक चल रहा है लोग डिमांड कर रहे हैं सिक्योरिटी बढ़ने के लिए। मतलब फ्रीडम में कुछ ना कुछ है गलत, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है। सरकार को क्या मैसेज देना चाहिए? आप वुमेन का सपोर्ट में कितना? देखिए एक बात बता, यहाँ पे जितने भी 4 लेडी डॉक्टर्स हैं ये सब रात को 36 घंटे 48 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपने इनसे बात की, इन्होंने बोला इनको सेफ फील नहीं करना। इंडिया इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस डे गया ना, ये हैप्पी इंडिपेंडेंट डे नहीं था, सब बहुत उदास थे। आप खुद बताइए, लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा था? कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, बेसिक सेफ्टी कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बेसिक सेफ्टी डिमांड नहीं करेंगे अपने देश में तो कहाँ करेंगे? रात को आपको इमरजेंसी रूम नहीं देना चाहिए एक सेफ जगह पे, वो लेडी डॉक्टर ड्यूटी कर रही है उसको, वो सेमिनार रूम में जाके सो रही है। जहाँ भारत में ऑल वर्ल्ड में लोग भारत को मतलब उसका बाबा कर रहे हैं, लेकिन अभी लेकिन इसका अंदर का बात किसी को पता नहीं है। नहीं नहीं, भारत बहुत रिच कंट्री है, कभी रिच नहीं होती तो ब्रिटिशर्स यहाँ आके हमको इवेड नहीं करते। हमारे पास कुछ था तभी तो आए, और आज भी भारत के लोग ही बाहर जाके बहुत नाम रोशन कर रहे हैं, सब बड़ी कंपनीज के सीईओ भारत के। हम लोग बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारी सरकारें बहुत खराब है, समझ रहे हैं बात को? सरकार मतलब ये क्या है ना, सरकार सारी सरकार, कौन सी सरकार डिपेंडेड है? अभी प्रेसिडेंट का कोई बयान आया इस पर नहीं, प्राइम मिनिस्टर मतलब सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, जो भी है, आप देखिए पॉलिटिकल बयान चाह रहे हैं सारे लीडर्स एक जैसे। इनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनको 5 साल की नौकरी पे हम रखते हैं, ये काम ठीक से नहीं करेंगे तो इनको निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये इस मुकालदे में नहीं रहेंगे कि ये बहुत बड़े नेता है और इन्हीं से देश चलता है, 150 करोड़ का देश है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे नेता। जब हमारा लड़की, बहन, भाई, किसका वाइफ, ये सब बाहर जब खुलेआम जा सकते हैं, रात को 2 बजे अकेले जा सकते हैं, हमारा लड़कों का काम हो सक कर सकते हैं। बात असम गवर्नमेंट ने, मेडिकल कॉलेज ने क्या नोटिफिकेशन निकाला, लड़कियां रात को नहीं निकलेंगी, कपड़े ऐसे नहीं पहनेंगी, ज्यादा देर किसी से बात नहीं करेंगी। यही लड़कों के लिए निकाल दो, लड़कियां सेफ हो जाएंगी। सब लड़कों को बंद कर दो 6 बजे के बाद, लड़के अंदर हो गए, लड़कियां सेफ हो गई।
समझ रहे हो बात? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्यों रह रहा है मैसेज सबको? क्योंकि गवर्नमेंट बेवकूफ है, सरकार बेवकूफ है, सारी सरकार है, कोई भी पॉलिटिशियन समझदार नहीं है। किसी भी पॉलिटिशियन का बयान आपको लग रहा है कि एक्सेप्टेबल है इस चीज पे? एक दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रहा है, एक दूसरी पार्टी को ब्लेम कर रहा है, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा। आपने इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस है, एक इमरजेंसी रूम का बजट कितना होता है? 50,000 रुपए में एक इमरजेंसी रूम बन जाएगा। क्या चाहिए डॉक्टर को? पानी की बॉटल चाहिए, बेड चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। ये नहीं प्रोवाइड कर सकते, करोड़ों में बजट देते हो, बजट जाता कहाँ है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डीन एंड प्रिंसिपल को आप निकालते हैं, रिजिग्नेशन लेते हैं, और 6 किलोमीटर दूर दूसरे मेडिकल कॉलेज में आप उसको डीन एंड प्रिंसिपल कर देते हैं। मतलब के नाम का जब एक करप्शन बंद होगा, हाँ करप्शन बंद होगा, वो आप लोगों के हाथ में। आप लोग अच्छे से रिपोर्ट कीजिए, सिटीजन्स फ्रीली वोट करें। वोट कैसे करेंगे? मांस मच्छी मटन मुर्गे पे करेंगे, दारू की बोतलों पे करेंगे, तो ऐसे चोर लोग आएंगे, और वो चोर लोग आएंगे तो हम सफर करेंगे। आर यू फील सेफ इन आवर इंडिया? In our India, specifically, if I specify my gender, that's a woman, that I definitely do not feel safe. Even after like 78 years of independence, women in India have not feel safe even on the roads, in their own houses. And now, as we are seeing, according to the recent incident, not even in their own workplace, in a hospital where I, being a doctor, I know that I'm tending to patients and I'm saving lives literally every day. But if in that environment I'm not able to feel safe on my own, then I won't be able to safely see patients or tend care to them. What is your opinion? What is your message for our public? For our public, I need the public to get sensitized. Gender sensitization is required. Since the violence against women is on the rise and India is like far from getting independence from violence against women, there should be gender sensitization. And apart from that, they should understand that healthcare workers, they are working under extreme burden. So in that burden, it's also that while we have a duty to tend to them, they also have a duty to make us feel secure. And especially I want to request the higher authorities and the government to ensure safety and security for all healthcare personnel in a hospital. Women are not safe in India, isn't it? That's your message. That's my message. And while they're not safe in India, that's not just a statement that we should stop by just saying the statement. We should take proactive measures so that we don't get to hear such another incident happen to anyone else. That's my message to India. Thank you. भारत में for women safe या नहीं? आप लोग अभी freedom पा चुके हैं लगता है आपको? नहीं लगता है? नहीं लगता है। सेफ के बारे में कुछ बताइए। आपको रात को 11-12 बजे जा सकते हैं बिना डर के? नहीं, हम लोग तो नहीं निकलते एटलीस्ट जहाँ तक, मतलब बहुत बड़ा सिटी में भी डर लगता है। हाँ, मतलब एक टाइम के बाद, हाँ, अकेले नहीं जाना या फिर मतलब अंधेरा होने से पहले अंदर आना, घर के अंदर आने, मतलब इतना, इसलिए इतना बड़ा स्ट्राइक है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को? पब्लिक हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये मतलब डॉक्टर्स के साथ हो रहा है इसका, तो ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं के साथ होगा या फिर मतलब सिर्फ हम ही लोग इन डेंजर है, वो लोग भी मतलब हम लोग का सपोर्ट करेंगे। तो ये मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेमेन वेमेन फीमेल डॉक्टर्स, इट इज अबाउट वेमेन ऑल अक्रॉस इंडिया, डज नॉट मैटर फ्रॉम वॉट स्पीयर दे बिलोंग। सो इट मीन्स वुमेन इन डेंजर। आपको लग रहा है यहाँ बहू बेटियाँ सेफ है? नहीं, इस कांड जो घटना हुई है उस घटना के बात तो पता चलता है कि सेफ नहीं है। आपको लग रहा है आपको रात के 12 बजे ऐसे निकल सकते हैं घर से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मुझे अभी लग रहा है कि भारत स्वाधीन नहीं हुआ जब एक नारी। मैंने तो ये पूछने से पहले कर दिया, आप स्वाधीन नहीं है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्वाधीन नहीं हूँ। जब भारत की बहू और बेटी अकेले रात में रात 10 बजे अकेले जा सकेंगे तो हम सोचेंगे जे भारत स्वाधीन हुआ है। मैं अभी पराधीन हूँ। आप वही बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं आप फ्रीडम अभी है या नहीं? फ्रीडम नहीं है, अभी नहीं है। नहीं, नहीं, आप रात को 12 बजे नहीं जा सकते बाहर? नहीं जा सकते हम, यहाँ हमें सेफ नहीं फील करते हैं। 12 बजे आप जा सकते हैं कि नहीं, वो तो अलग चीज है, लेकिन वर्क प्लेस में ऐसी घटना दिन में भी, हाँ, वो अत्यंत दुर्भाग्यजनित है। सो इसके लिए कैसे काम करेगा? इससे एटमोस्फेयर, यदि अगर एक अच्छा एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा? और ये एक उदाहरण बन गया कि अब हर नारी उनके वर्क प्लेस में सेफ नहीं है। तो लग रहा है आप जो अभी इंडिपेंडेंस डे गया, लग रहा है आप इंडिपेंडेंट है? नहीं, कमेंट तो नहीं है अभी तक।
अभी 78 इंडिपेंडेंट गया, आपको लग रहा है हम सब इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, क्या लग रहा है आपको इंडिपेंडेंट है इस इंडिपेंडेंट? नहीं नहीं, यहाँ आप आपके मैंने हमने बात की, सब अलग अलग बोल रहे, असम का कलेज कुछ ड्रेस के ऊपर किया है, दूसरे कलेज दूसरे के ऊपर, तो लग रहा है आपको इंडिपेंडेंट है या हम इंडिया में? अभी किसी चीज में तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है आप इंडिपेंडेंट नहीं है, हम तो सबसे बात किया, सो उसी बात से अलग अलग कलेज का अलग अलग व्यूज आते हैं, किसी के ड्रेस के ऊपर, किसी के फ्रीडम के ऊपर, आप लग रहा है आप फ्रीडम है इंडिया में या इंडिपेंडेंट 78 फ्रीडम गया है, लग रहा है आपको फ्रीडम है? एक फ्रीडम तो अभी तक, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, जैसे इतने केस हुए हैं अभी तक कि निर्भया केस हो गया, बीए हो गया, और भी बहुत है जो पेरिफेरी में होते रहते हैं जिनका भी इतना पता नहीं चल पाता, वर्ल्ड वाइड इतना पता नहीं चल पाता। यहाँ पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं रात को 12-1 बजे 2 बजे लड़की जा सकती है, आपको लग रहा है जा सकती है रास्ते में? मुझे नहीं लगता कि अभी देश में 1-2 बजे तक लड़की अकेली घूम सकती है। आपको आपको रात 12 बजे रोड में बिना डर के चल सकते हैं हमारे उड़ीसा में, इंडिया में, पूरे पूरी भारत में कहीं भी? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते यहाँ पर। मतलब आप फ्रीडम सोचते नहीं है, इंडिपेंडेंट अभी नहीं है? हम तो इंडिपेंडेंट नहीं है सोचते हैं, बिकॉज हम लोग खुल के कहीं भी ना तो ड्यूटी कर सकते हैं, ना ही घूम सकते हैं, ना ही और कहीं जा सकते हैं, हम सेफ ही नहीं फील करते। मतलब एक ही कारण है सेफ, सेफ्टी के लिए हम लोग बैठे हुए इधर इतने दिन से, लेकिन अभी तक सरकार ने कुछ भी। आप पूरी तरह देखें, अभी सबके मुंह में है हम सेफ नहीं है, सबके मुंह में है हम सेफ नहीं है, वुमेन सेफ नहीं है, जिसको भी पूछा रात को वो निकल नहीं सकते, उसका अपने हॉस्पिटल में वो सुरक्षित नहीं है।